बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगी और आप सबकी जो ईद है बहुत ही अच्छे से गुजरी होगी। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। इस रेसिपी का नाम आपने यकीनन पहले कभी नहीं सुना होगा, और कभी सुना होगा तो आपको पता होगा कि ये रेसिपी जो है ना, ये वाली डिश बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो जिनको नहीं पता उनके लिए आज मैं ये बहुत ही ख़ास और ख़ास रेसिपी लेकर आई हूँ, और बग़ैर ऑयल के और बग़ैर आग के हम इसको बनाएंगे। हम इसको घर में नहीं बनाएंगे, इसको लेके जाएंगे हम भट्ठे पे, जो ईंटों वाला भट्ठा होता है ना, तो वहाँ पे जाके इसको पकाएंगे और सारा प्रोसेस आपको दिखाएंगे और मुकम्मल तफसील से आपको वीडियो दिखाएंगे इसके बारे में। आप मुकम्मल वीडियो को देखिएगा, बगैर स्किप की आवाज़ करिएगा, आपको बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसके बारे में। और बोरी गोश्त जो होता है ना, वो बग़ैर ऑयल के पकता है, और ये जो भट्ठे की केरी होती है ना, जो ईंटों वाला भट्ठा होता है उसकी केरी में पकता है और बग़ैर ऑयल के बनता है ये। तो बहुत ही लाजवाब डिश होती है, तो जल्दी से बनाना स्टार्ट करती हैं। मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे बनाती हैं और इसमें कौन सी चीज़ें हम शामिल करती हैं। सबसे पहले आप लेना है बीफ। बीफ को अच्छी तरह से सिरका लगा के इसको धो लेना है, और ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे पीसेस आपने करवा लेनी हैं। आप चाहें तो हड्डी वाले भी ले सकती हैं, बोनलेस ले सकती हैं, या जिस तरह से भी आपको पसंद है आप ले सकती हैं। तो इसको सिरका लगा के हम तकरीबन 10-15 मिनट के लिए साइड भी करती हैं। तब तक इसमें डालने के लिए हम जो मसाला है वो तैयार कर लेती हैं। तकरीबन 3.5 किलो हमारा बीफ है, तो इसके अंदर हम डालेंगे 1 किलो प्याज मोटी मोटी चॉप की हुई, और 1 पाव हरी मिर्च डालेंगे इसके अंदर, और तकरीबन 1/2 किलो टमाटर हैं, और इसके अंदर जाएगा साबुत लहसुन, और मोटी मोटी चॉप की हुई हम इसके अंदर अदरक डालेंगे। ये सारे मसाले हमने मोटे मोटे चॉप करके डालने हैं, और ये जो काली मिर्च है ये हम डालेंगे बारीक पिसी हुई, और साथ में नमक हसबे ज़ायका। और काली मिर्च जो है इसको हम दही के अंदर, 1/2 किलो दही है तो काली मिर्च और नमक को दही के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करके इसको बीफ के अंदर डाल देंगे। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप थोड़ी सी हरी मिर्चें जो है ना वो और डाल सकती हैं, और अगर आपको लाइट पसंद है तो जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है आप उतनी मकदार में ये सारे मसाले डाल सकती हैं। अच्छा जी, बीफ को सिरका लगा के 10-15 मिनट हो चुकी हैं, ये देखिए इसने ब्लड भी छोड़ दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि जो बीफ की स्मेल है ना, जो ईद के गोश्त की स्मेल वगैरह होती है वो अच्छी तरह से इसमें निकल जाए। तो इसको हम अच्छी तरह से धो के किसी छाननी में डाल देंगे। ये देखें जी, बीफ को मैंने अच्छी तरह से धो लिया। अब इसका कलर देखें, कलर बिल्कुल वाइट सा हो चुका है तकरीबन, मतलब जिसकी स्मेल थी ब्लड वगैरह था वो सारा वेस्ट हो चुका है, और अब इसकी जो रेडनेस है वो ख़त्म हो चुकी है और वाइटनेस इसमें आ चुकी है। अब इसको डालते हैं किसी खुले बर्तन में। इसके अंदर हम डालेंगे बीफ और डालेंगे तमाम मसाले। सबसे पहले प्याज डालेंगे, फिर हरी मिर्चें डालेंगे और टमाटर डालेंगे, और बाद में लहसुन, अदरक का पेस्ट, सॉरी पेस्ट नहीं है, इसको मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया था। अब दही के अंदर हम डालेंगे काली मिर्च और नमक। नमक आपने हिसाब से ज़ायका रखना है, ना कम ना ज़्यादा। तो इसको थोड़ा सा फेंट के हम इसके अंदर डाल देंगे। बर्तन को अच्छी तरह साफ करेंगे। ये देखिए बर्तन हमारा साफ हो चुका है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके, तो आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर आप हल्दी पाउडर जो है ना वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर इस्तेमाल करूंगी, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और मिक्स करके इसको रखेंगे तकरीबन 2-3 घंटे के लिए हम रख देंगे ताकि अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। तो इसको हम रखेंगे फ्रिज के अंदर ताकि ये ख़राब ना हो। जब 2-3 घंटे हो जाएंगे तो इसको हम ले जाएंगे भट्ठे पर। अच्छा जी, 2-3 घंटे हो चुके हैं और गोश्त जो है वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। तो अब हम इसको लेके चलते हैं भट्ठे पे। तो अब हम वहाँ पे जाके आपको सारी कार्रवाई दिखाएंगे। आप मुकम्मल वीडियो वॉच करिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। हाँ।
सारा लिया। अच्छा जी, गोश्त को अच्छी तरह से पौनी और अखबारों में लपेट कर अब इसके ऊपर गीली मिट्टी लगा रही हैं। जितना की मेहनत का काम है माशाल्लाह से उतना ही जबरदस्त गोश्त बन के तैयार होते हैं। पापा ना कितने आवाज में कर दिया। या पी ले रे ब्रे। दूसरे ने इत कर लेने बाहर आले पास गरम बना वीडियो और कान इधर मेरी भी थोड़ी सी बनाओ, मेरी भी बना, जोर ना हो जाए जा। चलो
ये रहे जिन्होंने गोश्त को करी के अंदर अच्छी तरह से दबा दिया है। अब तकरीबन 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि जितनी गर्म ये करी है ना, इसके अंदर अगर आप पाए भी रखेंगे तो वो भी बन के तैयार हो जाएंगे। आपको नज़र आ रही होगी बहुत ही गर्म करी है, इसलिए इन्होंने ये जो शूज़ पहने हुए ना, ये लकड़ के शूज़ हैं। आम शूज़ जो होते हैं वो बंदा पहन के इस करी के ऊपर नहीं चल सकता। यहाँ पे शाम हो चुकी है और गोश्त हमारा बन के तैयार हो चुका है, तो इसको अब हम निकालने लगे हैं। ये रखी तीली रखी नहीं यार, अखबार है ये, तो साइड थोड़ा का पोंछ दे उसका मुंह कर दे, तो बाहर कर दे। एक और पर नहीं ना ये ही है, ये लूड़ा का नहीं बोल सकता टुट गया भाजी ताडा मटका गया, रख दे ये लें जी, फाइनली हमारा बोरी गोश्त बन के तैयार होके आ चुका है घर में। अब हम इसको खोल के देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। बहुत ही गर्म केरी है ये, इसको हाथ भी नहीं लग रहा, और उनकी हिम्मत है जिन्होंने हमें ये तैयार करके भेजा है। मैंने तो जस्ट इसको मैरिनेट करके भेजा था, बाकी का सारा काम उन्होंने किया। आपके सामने देखा होगा आपने किस तरह उन्होंने अखबारों में लपेटा और फिर पौने के अंदर लपेट के फिर दोबारा से अखबारों में डाल के और अच्छी तरह से बांध के इसको कैरी के अंदर डाला। और अब ये देखिए कितना गर्म है, इसको हाथ नहीं लग रहा, इतना गर्म है ये। एवें नहीं हमारी जो ईंटियाँ वो बन के तैयार हो जाती हैं माशाल्लाह से। ये देखिए अभी 2 से 3 घंटे हुए हैं और इस गोश्त का ये हाल है, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हो चुके हैं। और इसकी खुशबू जो है ना, वो तो लाजवाब खुशबू है, कमाल की खुशबू है। मज़ेदार बोरी गोश्त, केरी में भुना हुआ मज़ेदार बोरी गोश्त, आप भी खाओ और अपने बच्चों को भी खिलाओ। वो छलियों वाला जो आदमी होता है वो ऐसे ही बोलता है ना, केरी दियाँ भुजियाँ होंगी छलियाँ। तो ये जो गोश्त है ये केरी का भुना हुआ गोश्त है, और इस वक्त गोश्त के साथ साथ केरी की जो सौंधी सौंधी खुशबू है ना, वो बहुत ही मज़े की लग रही है, और मुझसे सब्र नहीं हो रहा कि मैं अभी से इसको खाना शुरू कर दूँ। बहुत ही गर्म है, इसको हाथ भी नहीं लग रहा, और ये देखिए अंदर तक रोस्ट हो चुका है। अब हम इसको निकालती हैं। अच्छा, इसको खोलते हुए मुझे बिल्कुल उस गिफ्ट की तरह फीलिंग आ रही थी जो आमतौर पे किसी को गिफ्ट देती है ना अखबारों में लपेट के, तो इसको खोलते जा रही होती हैं, खोलते जा रही होती हैं, और बिलाखिर हमारा गिफ्ट जो होता है वो बाहर आ जाता है। तो बिल्कुल उस गिफ्ट की तरह गोश्त भी हमें नज़र आ चुका है, और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा, केरी में तब जाने की वजह से ये जो पोना है ना, ये भी जल चुका था। इसकी खुशबू तो बहुत ही लाजवाब खुशबू थी माशाल्लाह से। ये चेक करें आप, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बना है। और आप यकीन जाने आप इसको जितना भी खाएंगे ना, आपका पेट नहीं भरेगा, क्योंकि बिल्कुल लाइट सा होता है और ज़्यादा हैवी नहीं होता ये। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हरे मसाले मैंने डाले हैं आपके सामने, और जो ऑयल है उसका इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं किया मैंने, इसलिए इसका जो जायका था बिल्कुल लाइट सा था और हैवी गोश्त नहीं था, या जिस तरह से आमतौर पर ईद का गोश्त होता है ना, उस तरह से हैवी बिल्कुल भी नहीं था, बहुत ही ज़बरदस्त बना था।
आप इसको नान के साथ भी खा सकते हैं, केचप के साथ भी खा सकते हैं, और जो सादा रोटी होती है ना उसके साथ भी खा सकते हैं, रायते के साथ भी खा सकते हैं। लेकिन ये इतना मज़े का है कि आपको नान, रायता, केचप वगैरह बिल्कुल भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका दिल करेगा कि आप इसको ऐसे ही खाते जाएं। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है, बहुत ही नरम नरम और जूसी जूसी बोरी गोश्त बन के तैयार हो चुका है माशाल्लाह से। ये देखिए हाथ लगाने से ही इस तरह से अलग अलग हो रहा है। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो, आज की रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक करके और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी इस रेसिपी से मुस्तफीद हो सकें। और मुझे दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलती हैं अगली नई और इस तरह की बहुत ही मज़े की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।